सो हेलो एवरीवन, आज की और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नो प्रशांत पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओप्पो के सारे एंड्रॉइड 11 अपडेट ट्रैकर के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमको बताइए कि हमारे जो डिवाइसेज है उनमें एंड्रॉइड 11 कब तक आएगा और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज है जिनमें अपडेट जो है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज भी कह सकते हैं जिनमें अपडेट जिनको रिसीव हो चुका है। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे तो वीडियो तो बनाना ही था, तो वीडियो लेके आ गए आपके लिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले एक आप जाके काम कर लीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो अगर पहले से देखते हैं या फिर नया है तो सब्सक्राइब करिए, प्यार बरसाइए, अपना वीडियो को लाइक करिए और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए दोस्तों मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे फोन कौन कौन से ऐसे फोन है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फोन है जिनमें आपको कलरOS 11 का अपडेट मिल चुका है। तो सबसे पहले जो आता है ओप्पो का फाइंड X2, इसमें आपको कलरOS 11 का अपडेट फाइनली मिल चुका है। X2 प्रो में भी मिल चुका है और Reno 3 4G जो है उसमें भी रिलीज कर दिया गया है। Reno 3 प्रो जो है 4G वाला वेरिएंट उसमें भी जो रिलीज कर दिया गया, फिर कि जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट कर दिया गया है। ओप्पो एफ 17 प्रो में भी कुछ दिनों पहले जो ट्रायल वर्जन था वो आ गया, बाकी स्टेबल वर्जन भी आ चुका है ओप्पो एफ 17 प्रो यूजर्स के लिए। और साथ ही Reno 4 प्रो 5G और साथ ही Reno 4 प्रो जो 4G वाला वेरिएंट है उसके लिए भी इस महीने में अपडेट आ जाएगा। जो Reno 4 प्रो 5G है उसके लिए तो अपडेट जो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, बट Reno 4 जो 5G है और Reno 4 Pro जो 4G वाला वेरिएंट है इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में आपको अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा आप सभी लोगों को। जितने लोग चाहते हैं कि अपडेट जो जल्दी से जल्दी आ जाए तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका कोई कमेंट सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि संडे को आपके लिए कमेंट बॉक्स लेके आ रहे हैं। #TVFamily करके जाके नीचे कमेंट में अपना सवाल बता दीजिए दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं ओप्पो Reno 4 4G की जो है उसमें अभी नहीं आया है, F11 और F11 Pro में भी अभी नहीं आया है कलरOS 11 का अपडेट। और A9, A92, A72, A5, A52 यानी कि ओप्पो के जो ये फोन है A सीरीज यानी A9, A92, A72, A52 इसमें भी अभी तक अपडेट देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। मैं भी श्योर कि ये जो डिवाइसेज हैं इनमें आपको जनवरी या फरवरी के महीने में अपडेट जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं Reno सीरीज की तरफ। ओप्पो Reno 2, Reno 2F, Reno 2Z, Reno 3 Pro 5G वाला जो वेरिएंट है उनमें भी अभी अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं भी श्योर दिसंबर या जनवरी के महीने में जो आपको अपडेट होगा ये सारे फोन्स हैं जो कि नए नए सीरीज के फोन हैं उनमें आपको अपडेट देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा। उसके बाद में बारी आती है ओप्पो F15 की। तो ओप्पो F15 में भी अभी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, बट कलरOS 11 की जो कम्युनिटी है उनसे बात करने में पता चला कि जो अपडेट है वो दिसंबर के महीने में यानी दिसंबर के लास्ट तक हमारे इस फोन में ओप्पो F15 में देखने के लिए मिल जाएगा। Reno में भी Reno Z और A5 2020 और A9 2020 में भी आपको अपडेट जो है वो दिसंबर के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारे जो के सीरीज वगैरह या फिर जो ऐसी सीरीज है जो बजट सेगमेंट के फोन है उनमें भी देखने के लिए मिलेगा। के सीरीज है, ओप्पो A12 है, ओप्पो K3 है, जो भी आपके फोन्स हैं सब में देखने के लिए मिलेगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जैसे ही अपडेट आ जाएगा और कुछ नया जो देखने के लिए मिलेगा कलरOS 11 में सब कुछ आपको बता देंगे। तो यही था कुछ अपडेट कि कौन कौन से डिवाइसेज है जो जिनमें आपको अपडेट मिल चुका है इस महीने में, कौन कौन से डिवाइसेज में मिलने वाला और कौन कौन से डिवाइसेज बाकी हैं अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनको अपडेट नहीं मिला है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइए, आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, चैनल पे नए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे किसी और नए दिन दोस्तों। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।